सती जी को लगा कि पहले भोले बाबा को मैं कैसे मनाऊं, बिना निमंत्रण के तो जाने वाले नहीं, आकर के जोड़ जोड़ से चरण दबाने चालू किए। भोले बाबा ने नेत्र खोल के मुस्कुराते हुए पूछा, देवी जी क्या बात है? बोले, कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। भोले बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब सती जी ने बात थोड़ा घुमा के कही, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव केल वयम च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विभुदा व्रजंती। भोलेनाथ, ये देखो, ये जितने विमान जा रहे हैं ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। भोले बाबा ने कहा, हमें मालूम है। अच्छा, आपको पता है? बोले हाँ। तो फिर आप क्यों नहीं चल रहे? भोले बाबा ने कहा, कोई चिट्ठी आई थी क्या? अब सती जी घबराई, क्या बताएं। सती जी ने कहा, देखो चिट्ठी तो जरूर भेजी होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, मुझे तो लगता है पत्र लाने वाला रास्ता भटक गया होगा, कभी कभी चूक हो जाती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से चिट्ठी न भी आए तो अधिकार पूर्वक चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, सो तो हम भी चले जाते हैं, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, परंतु यदि कोई विरोध माने तब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाने आने में आनंद कब आता है? जब हम जाएं तो लोग हमें देखते ही प्रसन्नता में खिल जाएं, तो बिना बुलाए भी चले जाओ, और हमारे जाति हमारी शकल देखते ही उनका मुंह लटक जाए तो ना हमको अच्छा लगे ना उनको अच्छा लगे, ऐसी जगह जाने से फायदा क्या है? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। सोना भी बरस रहा हो तब भी मत जाओ, यह तुम्हारे जाने से वहां प्रसन्नता का वातावरण न बने। इसलिए देवी, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। माता सती ने कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके जाने से हमारे घर में प्रसन्नता नहीं होगी? बोले, हमें मालूम है नहीं होगी। कैसे मालूम है? तब भोले बाबा को पुरानी घटना आज सुनानी पड़ी कि थोड़ा सा मामला ऐसा हो गया कि तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हो पाए तो पचासों गालियां सुनाई। हमने तो उस बात को भुला दिया, पर तुम्हारे पिताजी अभी भी नहीं भूल पाए, इसलिए हमको चिट्ठी नहीं दी। तो उनका स्वागत समारोह तो उस दिन साफ समारोह में बदल गया था, अब यह यज्ञ समारोह कहीं युद्ध समारोह में न बदल जाए, इसलिए हमारी दृष्टि से हमारा न जाना ही ठीक है। सती जी ने कहा, ओहो, ये मामला है, ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा है, मुझे पता ही नहीं। बुरा मत मानिए भोलेनाथ, गलती तो आपकी है। अरे, सब लोग खड़े हो रहे थे, नेक आपू खड़े हो जाते आकर के, वो भी तो पिता के बराबर हैं, ससुर जी पिता तुल्य होते हैं। खैर, कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है, आप चलिए, मैं पिताजी को समझाऊंगी, सब मामला रफा दफा हो जाएगा। क्योंकि यदि हम में से कोई नहीं गया तो जो समाज इकट्ठा होगा उसमें निश्चित चर्चा का विषय बनेगा कि न बिटिया आई न दामाद आया, लगता कुछ गड़बड़ है। बड़े घरानों की छोटी छोटी बातें भी अखबार की प्रथम लाइन बन जाती है, इसलिए चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, अपने राम तो जाने वाले नहीं, और हमारी सलाह मानो तो तुम भी मत जाओ, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। अब सती जी की आंखें लाल हो गई, मायके में जाने से मना कर दो फिर माताओं का चेहरा देखने लायक होता है, सती जी का ही माथा खराब हो गया। भोले बाबा ने समझा कि अब यहां कुछ गड़बड़ हो उससे अच्छा है कि भेज ही देना चाहिए। अच्छा, ठीक है देवी, जो तुम्हें अभीष्ट लगे करो, न रोके न विदा किए। भोले बाबा तो आंख बंद करके भजन में मस्त हो गए। अब सती जी के मन में बड़ी दुविधा कि बाबा ने तो हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो तुम्हें उचित लगे करो, तो मैं चली जाऊं, जरूर जाऊंगी, ऐसे मौके कोई बार बार थोड़ी आते हैं, कितने वर्षों के बाद तो यज्ञ हो रहा है,
दुनिया इकट्ठी होगी, मेरी सब बहनें 16 बहनें सब इकट्ठी होंगी, सबसे मिलना जुलना होगा, सब बहनों ही मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। तस्मिन भगिन्यो मम भर्तृ भी स्वकई ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद दीर्दिक्षव, सबसे मिलने की देखने की प्रबलतम इच्छा हुई, चल पड़ी। थोड़ी दूर गई फिर बोली नहीं नहीं नहीं, भोले बाबा का बिल्कुल मन नहीं था भेदा करने का, तो पति के इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो वापिस लौट के आ गया। जब भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती हैं, और जब पिताजी का ध्यान आता है तो भागने लगती हैं। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती, अंत में निर्णय लिया मैं तो जाऊंगी, चल पड़ी। भोले बाबा ने देखा अरे ये तो सचमुच चली, तो रुद्रगणों से कहा जाओ तुम भी इनके साथ में, सादर ने पहुंचाओ। रुद्रगण चल दिए माता सती के साथ। बोलो सती महारानी की जय। जैसे सती जी को देखा बहने आपस में मुस्कुराने लगी, देख देख सती आ रही है, तुझे मालूम है पिताजी ने बुलाया थोड़ी था, बिना चिट्ठी के चली आई, मैं ऐसे आने वाली नहीं हूं। जब सती जी सामने आई, अरे आओ आओ बहन तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था घर में। तो सामने आने पर तो खूब हंस करके मिल रही है, और सती जी इधर उधर होती हैं तो हंस करके आपस में इशारा करती है, बताओ बिना निमंत्रण के ही चली आई। किसी ने भी प्रेम पूर्वक सती का स्वागत नहीं किया, दक्ष के डर के मारे। प्रेम से यदि मिली तो केवल उनकी मां।